नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम डीपीपी नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो चलिए, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, मैं पहले उनके आंसर्स दे देता हूँ, आप एक बार मैच कर लीजिएगा। और ये जो डीपीपी है ये इन्वर्टर पे है, ठीक है ना। तो इन्वर्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो उसके कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें, आंसर्स दे देता हूँ पहले, उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। जिन लोगों को डीपीपी नहीं मिली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डीपीपी का लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और पहले इसको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आप एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। जो आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है उसका आप सॉल्यूशन जरूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक हमने नीचे शेयर किया है, वो पब्लिक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे स्टूडेंट डिस्कशन चलता रहता है, तो आप डिस्कस कर सकते हो अपने डाउट वहां पे। वहां पे डीपीपी पहले ही पोस्ट कर दी जाती है, सो देट आप उसको पहले सोल्व कर सकें और जो भी डाउट है उनको पहले ही क्लियर कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं पहले आंसर दे देता हूं। तो टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें, मैं आंसर लिख रहा हूं, जरा देखिए। टोटल 8 क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दैट इज 523 वोट। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज 7000 वॉट। क्वेश्चन नंबर 3, 72.45%। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरे पास आंसर है दैट इज 55.96। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे जो वैल्यू पूछा गया, वीजी की वैल्यू पूछी गई, दैट इज 55.96, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज 346.41। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 100। एंड क्वेश्चन नंबर 8 ग्राफिकल मतलब ऑप्शन है इसमें, मतलब जो वे फॉर्म बनानी है, कहने का मतलब ये है। तो मैंने हालांकि ऑप्शन नहीं दिए थे आपको इसमें डीपीपी में, बट आप वे फॉर्म जरा सोचिए क्या बनेगी, तो मैं लास्ट में आपको इसमें जो वे फॉर्म है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह की वे फॉर्म आएगी। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन 1 देखिए, तो क्वेश्चन 1 जो है मेरे पास उसमें क्या दे रखा है, सुनिए। क्वेश्चन 1 में आपको एक थ्री फेज डीसी टू एसी कन्वर्टर दे रखा है, मतलब इन्वर्टर की वो दिया हुआ है, और कुछ इस तरह का है दोस्तों, जरा देखिए। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, तो डायग्राम में बहुत टाइम लगता है भाई डायग्राम बनाने में, तो इसलिए डायग्राम बनाने में समय वेस्ट नहीं करना है। देखिएगा दोस्तों, हाँ जी, तो यहां पे आपके पास कोई सोर्स वोल्टेज दे रखी है मेरे ख्याल से, और वो है 600 वोल्ट, और ये कैपेसिटर दे रखे आपको 2। दिस पॉइंट इज ओ, ये कोई पॉइंट है ओ मेरा, ठीक है, और यहां पे आपको स्टार में रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं। दिस इज 30 ओम, ये भी आपका 30 ओम है, और यहां पे भी आपका 30 ओम, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है। और ये पॉइंट मेरे पास बाहर निकाले गए हैं, ये यहां पे कनेक्ट है, ये जो है वो यहां पे कनेक्ट है, बी आप मान लीजिए इसको, और ये जो पॉइंट था ये यहां पे कनेक्ट है। जरा देखिए क्या करेंगे, ये बोल रहा है द स्विचेज आर ऑपरेटेड सच दैट देयर आर 2 स्विचिंग पर क्वार्टर साइकिल एज शोन बिलो। 2 स्विचिंग पर क्वार्टर साइकिल है, मतलब एक स्विचिंग आपकी 30 डिग्री पे है, यहां पे 30 डिग्री है, और एक आपका 60 डिग्री पे है।
देखिए यहां पे है 60 और यहां पे है मेरा 90, कुछ इस तरह का है दोस्तों। यहां पे है मेरा 90, ये है मेरा 100 वोल्ट, नहीं नहीं 100 नहीं है भाई, ये VAO दे रखा है, दिस इज VAO विद रिस्पेक्ट टू ओ दे रखा है पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ये ओ दे रखा है, ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी और ये पॉइंट है मेरा सी, ठीक है जी। तो ये ओ ओ पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ की वोल्टेज आपको गिवन है, ठीक है भाई। अब सुनिए क्या करा है, द स्विचेज आर ऑपरेटेड सच दैट देर आर टू स्विचिंग पर क्वार्टर साइकिल एज शोन बिलो, द वेव इज सिमेट्रिक एंड देर आर इक्वल नंबर ऑफ स्विचिंग पर क्वार्टर साइकिल, द पावर लॉस इन द लोड ड्यू टू फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेवफॉर्म शोन। ये कह रहा है इस ये जो वेवफॉर्म आएगी इसके फंडामेंटल कंपोनेंट की वजह से पावर लॉस क्या आएगा, तो मुझे लगता है क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसका फंडामेंटल कंपोनेंट कैसे निकाले, सबसे पहले VAO देखना पड़ेगा अपने को, क्या आएगा VAO मतलब O के रेस्पेक्ट में यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी। तो आप बताओ अगर यहाँ पे 600 वोल्ट है तो 300 ये बनेगा और 300 ये बनेगा, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ की वोल्टेज या तो प्लस 300 होगी या फिर माइनस 300 होगी, ठीक है ना, समझ आया। तो बस हो गया क्वेश्चन, तो ये है मेरा VAO, तो यहां से मैं इसका फंडामेंटल ये मुझे पता चल गया, ये 300 है या फिर ये माइनस और ये माइनस 300 है, तो इसका अगर फंडामेंटल कंपोनेंट निकालोगे तो 4 × 300/π 1 − 2 cos α1 + 2 cos α2, सिंपल ये होगा दोस्तों, ठीक है। α1 is 30, α2 is 60, तो इसकी जो वैल्यू आएगी और ये पीक वैल्यू आएगी भाई, ये मैं आपको बता देता हूं, ये बनेगा 102.35 वोल्ट। अब सुनिए ये जो वोल्टेज है ये इसकी पीक वैल्यू है, जो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा ना क्वार्टर वेव सिमेट्री के हिसाब से मैंने सोल्व किया भाई, तो इसकी जो पीक वैल्यू आएगी वो मैंने निकाली, तो आरएमएस वैल्यू क्या बनेगी, VAO, VAO जो आरएमएस वैल्यू है वो क्या बनेगी, वो बनेगी 102.35/√2, ये इसकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो आप बताओ जो पावर लॉस होएगा PL, दैट इज 102.35/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय R, R इज 30 और इंटू में 3 हो जाएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि तीन फेज है ना, तो तीनों का लॉस अपने को देखना है, तो ये कट गया यहां से, ये बन जाएगा मेरा 10 और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, जो मेरे पास वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 523 वोल्ट, 523 वोल्ट ये बनेगा दोस्तों, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बड़ा ही आसान था, इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कर रहा है, फॉर द अबव क्वेश्चन फाइंड द लोड पावर फॉर 150 डिग्री डिवाइस कंडक्शन। इसका मतलब इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो VAO दे रखा है इस तरह का नहीं है, ठीक है, मतलब इस बार ये टू स्विचिंग पर साइकिल नहीं दे रखा आपको, ठीक है, 150 डिग्री डिवाइस कंडक्शन है भाई, 150 डिग्री का डिवाइस कंडक्शन है, जरा देखिए कैसे करना पड़ेगा आपको। तो आपने तीन कंडक्शन पढ़े, एक 180 डिग्री पढ़ा होगा, एक 120, 150 का मैं अभी करवा रहा हूं, ठीक है, तो 150 डिग्री डिवाइस कंडक्शन जरा देखिए क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान से समझिएगा इसको। मुझे VAO वोल्टेज मुझे प्लॉट करनी है, जरा देखिए कैसे, इस स्विच को मैं T1 बोल रहा हूं, इसको मैं T3 बोल रहा हूं, इसको मैं T5 बोल रहा हूं, इसको मैं T2, इसको मैं T6 एंड इसको T4 बोल रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, ये मेरा 180 है यहां पे मेरा 360 है, अच्छा ये 60 डिग्री का गैप है, ये 60-60 के गैप है भाई, ये 60-60 के गैप है, ठीक है ना, यहां पे मेरे पास 60-60 के गैप है ये। अब एक बार मैं इसको पूरा बना देता हूं, देखना आप इजीली इसको सोल्व कर लो, मेरे को कोई फॉर्मूला याद नहीं है, और 150 का तो मेरे ख्याल से आपको भी कोई फॉर्मूला नहीं पता होगा, जानबूझ के मैंने 150 दिया है। तो यहां पे मान ये पूरे में मेरा T1 है, तो आप मुझे बताइए जो जो दूसरा होगा, मतलब T1 या T4 बनेगा इसमें, T1 T4, बिकॉज ये जो लेग है ये T1 T4 की ना, तो 180 के लिए T1, 180 के लिए T4, लेकिन 180 तो है नहीं, 150 है, तो यहाँ पे इसको बीच में ये ब्लैंक कर दो, तो ये पूरा रहेगा T1 और यहाँ से फिर आगे T4 और इसका भी 30 डिग्री ब्लैंक कर दो,
फिर इसका 30 डिग्री यहाँ से आप ब्लैंक कर दो, ठीक है, T4 और फिर से ये T1, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए अगला, इससे 120 डिग्री लैग कर दो, 120 डिग्री लैग करोगे तो यहां से लेके और यहां तक, ये और फिर यहां से लेके यहां तक, जरा देखिए, और ये 30 डिग्री जो है ना इसको आप इसका आप ये गैप लगा लो, बिकॉज देखो ना 60-60 होता है ना, 120 डिग्री मैंने लैग कर दिया ना ये, ठीक है। तो अगला जो बनेगा मेरे पास, जो 30 डिग्री नेक्स्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये 30 डिग्री और यहां पे ये 30 डिग्री, 50-50 कर दिया मैंने इसको, और यहां पे ये 30 डिग्री, ठीक है ना, ये बनेगा। अब बताइए नेक्स्ट, बताइए यहां से 120 आया था, इसको लैग कर दिया था ना, इससे 120 और लैग कर दो, ठीक है भाई, तो यहां से लेके यहां तक ये अलग बनेगा। अच्छा ये इनमें क्या लिखे बताओ ना, T3 T6 है ना, तो T3 यहां पे बन जाएगा दोस्तों, और ये बनेगा T6 और यहां पे आपका अगेन T6। उसके बाद बताइए यहां से 120 लैग कर गया, ठीक है, 120 लैग करने के बाद क्या बनेगा बताओ जरा, T5 T2, ठीक है, T5 और T2, तो T5 T2 है तो ये बनेगा मेरा T5 और यहां पे बनेगा मेरा T2, सही है, तो कुछ इस तरह का है, हाँ जी ये कुछ इस तरह का है दोस्तों, यहां पे आपका T5 आ जाएगा, T5 T2 T5 T2, कुछ इस तरह का है दोस्तों। ये मैंने स्विचिंग बना दिया, 30-30 का गैप आ रखा ना, 150 डिग्री कंडक्शन है। तो अब जरा देखिए मैं क्या करूंगा, जरा देखो, अब मैं ये VAO बनाना चाह रहा हूं, यहां की वोल्टेज अगर एक बार बन गई तो मैं पावर लॉस निकाल दूंगा, क्योंकि इसने यही तो पूछा है, फॉर द अबो क्वेश्चन द लोड पावर फॉर 150 डिग्री डिवाइस कनेक्शन, ठीक है। तो जरा देखिए अगर मैं 30-30 डिग्री का लेके आऊं यहां पे, ये 30-30 का इंटरवल ले आता हूं, ये 30-30 का इंटरवल है दोस्तों मेरे पास, थर्टी थर्टी का इंटरवल आप ले आओ, देखिए क्या बनेगा, हाँ जी बस ये काफी है, इतने में आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा इसे जरूर समय जरूर लगेगा बट अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, ये सारे 30-30 के गैप है, तो पहले 30 डिग्री में T1, T6, T5 ये दोनों कनेक्टेड है। अब जरा देखिए ये मेरा ओरिजिनल लोड था, यहां पे T1 कनेक्टेड है, T1 कनेक्ट होने का मतलब 300 वोल्ट होगा ऊपर, ठीक है, तो यहां पे 300 वोल्ट होगा, T6 का मतलब यहां पे ये जो है सी फेज, इस पे -300 होगा और T5 यहां पे 300 होगा, मुझे ये वोल्टेज निकालनी है दोस्तों, ठीक है, मुझे ये वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, ये है मेरा ए पॉइंट, ये है मेरा बी पॉइंट और ये है मेरा सी पॉइंट और ये है मेरा ओ न्यूट्रल ओ पॉइंट। तो अब ये वोल्टेज मैं कैसे निकालू, एक काम करता हूं यहां की वोल्टेज निकालता हूं, वी नोट का अगर आप कोफिशिएंट देखोगे तो 1/30 + 1/30 + 1/30, तो 3/30 हो जाएगा ये और इक्वल टू आई एंटरिंग, तो यहां पर ये भी ये कितना कितने ओम है बताओ, 30-30 ओम है ना, ये 30 ओम, ये 30 ओम, ये 30 ओम, तो बताइए क्या बनेगा, ये 10, यहां से भी 10 और यहां से -10, ये -10 बनेगा, कट जाएगा यहां से, तो बताइए ये बन गया 10, तो V0 जो आएगा वो 100 वोल्ट आएगा। अब अगर यहां की वोल्टेज 100 है तो ऊपर 300 है तो इसके अक्रॉस कितनी आएगी, 200 वोल्ट, तो ये जो है ये 200 वोल्ट आएगी भाई, VAO जो है वो 200 वोल्ट बनेगा पहले केस में। अब अगले केस में देखिए, अगले केस में T1 T6 है बस, इसका मतलब ये हुआ कि B फेज का जो है, इसको आप B बोल दो ना, इसको आप B बोल दो क्योंकि T1 और इसको आप C बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है, क्योंकि मैं B इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने ये दूसरे नंबर पे ना ये T6 T3 लिख दिया, दूसरी लेग लिख दी, तो दूसरी लेग को B बोल दो, एक ही बात है यार, उसको फ्लिपिंग कर दो और क्या है, ठीक है ना। हाँ तो जरा देखिए, अब सुनिए, अब है मेरे पास T1 T6, इसका मतलब यहां पे 300 है और बी फेज पे क्या है बताओ जरा, -300 और ये ओपन है, ये वाला मेरा जो है ये ओपन है, यहां पे कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना। तो जरा देखिए अब यहां की वोल्टेज क्या बनेगी बता सकते हो, 300 यहां पे, -300 यहां पे, इसका मतलब यहां पे 0 वोल्ट आएगी, तो इसका मतलब सारी की सारी वोल्ट 300 वोल्ट, VAO जो बनेगा वो 300 वोल्ट बन जाएगा, तो अब यहां पे आपका 300 वोल्ट आएगी, यहां से यहां तक 300 वोल्ट,
ये बनेगा 300 वोल्ट। नेक्स्ट आइए आगे, अगले में बोलिए T1, T6, T2, इसका मतलब यहां पे 300, यहां पे -300 और यहां पे -300, ठीक है भाई। अब बताओ यहां की वोल्टेज क्या बनेगी, जरा देखिए। तो V नोट निकालो पहले, ये तो यहां पे यही बनेगा यहां पे, लेकिन ये माइनस का आएंगे दो, ठीक है। ये कट गया यहां से, -10 बनेगा तो -100 बनेगा, ये वोल्टेज बनेगी -100, तो ये जो वोल्टेज बनेगी 400 वोल्ट बन जाएगी, ये बन जाएगी 400 वोल्ट। अगले में देखिए, अगले में बनेगा ये 300, आप खुद सोल्व कीजिएगा। फिर बनेगा ये 200, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा 200 के बाद, और ये यहां पे 150 हो चुका है मेरे ख्याल से, 30, 60, 90, 120, 150। अब यहां पे ये जीरो जाएगा 180 तक, मतलब T3 T2 है, ये ओपन है, तो यहां पे जीरो बनेगा, और उसके बाद फिर -200, -300, फिर -400, इस तरह का आएगा दोस्तों, ये इस तरह की वेवफॉर्म आएगी, ये बनेगा मेरे पास VAO। बस हो गया क्वेश्चन, अब क्या करना है बताइए। अब मुझे निकालना है इसकी RMS वैल्यू, और RMS का स्क्वायर इनटू R करना है और इनटू 3 करना है। तो अब इसकी RMS वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, इसको रेक्टिफाई कर लो। तो यहां पे 180 डिग्री है भैया, ये मेरा 180 है, तो आप बताइए इसकी RMS वैल्यू क्या बनेगी, 1/π, इसको रेक्टिफाई कर लो, पीरियड 180 बन जाएगा, 1/π। बोलिए 0 से लेके कहां तक, 30 तक, मतलब पाई बाय 6 तक, 200 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, प्लस बोलिए पाई बाय 6 से लेके, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 तक, 60 तक क्या है बताओ जरा, 300 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, प्लस बोलिए पाई बाय 6 से लेके, सॉरी पाई बाय 3 से लेके 90 से लेके, सॉरी 60 से लेके 90 तक, पाई बाय 2 तक क्या हो जाएगा बताओ, 400। तो 400 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है भाई, प्लस बोलिए पाई बाय 2 से लेके 90 से लेके कहां तक, 120। तो 120 क्या होता है, कितना हो गया, 120 को क्या लिखोगे, 60 × 2 है ना, तो 2π/3, ये बन जाएगा कितना बताओ जरा, 300, अगेन 300 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है भाई। नेक्स्ट बोलिए 3π/2 से लेके 150 तक, 150 को क्या कैसे लिख सकता हूं, 5π/6, 5π/6 का क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, सिंपल, ठीक है भाई, ये बन जाएगा। और इसका रूट लेना है भाई पूरे का, इसका पूरे का रूट लेना है, तो ये मेरे पास RMS वैल्यू आएगी इसकी, तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास इसकी जो RMS वैल्यू आई है दैट इज √7000, एक बार आप चेक कर लीजिएगा भाई, √7000, 70,000 है, माफ कीजिएगा, √70,000 ये वैल्यू आएगी। अब सुनिए, तो इसमें पावर लॉस क्या बनेगी, VRMS का स्क्वायर ये हटा दो, तो ये बन जाएगा 70,000/R/30 × 3, तो आप ये कट कर दिया, ये यहां से कट कर दिया, तो 7000 वोट आ गया दोस्तों, 7000 वोट ये मेरे पास क्या आ गया, इसके अक्रॉस, पूरे के अक्रॉस, पूरे में कितना लॉस होगा पावर का वो मुझे पता चल गया, वो आ गया 7000 वोट। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना, तो इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इन ए मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन स्कीम द आउटपुट ऑफ ए सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज शोन बिलो। तो कोई मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन मैंने रखा है, और उसमें ये कह रहे हैं मेरे पास कुछ इस तरह की आउटपुट है, देखिएगा, कुछ इस तरह की आउटपुट है दोस्तों, यहां पे है मेरे पास पाई, दिस इज π/12, ये मेरे पास है π/12, और ये जो लेंथ है ये है 2π/9, दिस इज 2π/9, मतलब ये 15 डिग्री हो गए, ये 15 डिग्री है, और ये सारी 2π/9 है, इसका मतलब ये 20 डिग्री होगा ना, पाई का मतलब 180, तो 180 डिवाइड बाय 9 तो 40 डिग्री होगा, माफ कीजिएगा 40 डिग्री है, तो इसका मतलब 120, तो यही हो गया 180 है, अब 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60 डिग्री बचेगा, अब 60 का ये 4 गैप है, तो 15 के गैप होंगे, ये भी 15 डिग्री का गैप है,
ये भी 15 डिग्री का गैप है और यहां पे भी 15 डिग्री का गैप है। अब सुनिए क्या कर रहा है ये, ये कह रहा है आपको टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन बताना है आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा। तो मैं यहां पे क्वार्टर वेव सिमेट्री लगा सकता हूं, ठीक है। तो आप बताइए अगर मैं फंडामेंटल वेव लूंगा तो फंडामेंटल वेव कुछ इस तरह की बनेगी दोस्तों, यहां पे यहां तक आपकी फंडामेंटल वेव बनेगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पे इसके अबाउट जो है, नहीं माफ कीजिएगा ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ऐसा नहीं बनेगा अभी फंडामेंटल। देखो ना क्या, अब आगे बताइए ना क्या होगा अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो इसका आगे नेगेटिव वाला हिस्सा है ना, देखिए कुछ इस तरह का आएगा पाई के बाद। तो यहां पे मेरा जीरो है दोस्तों, यहां पे जीरो होगा। तो अगर मैं फंडामेंटल वेव देखूंगा तो कुछ इस तरह की बनेगी, ये बनेगा पाई बाय टू बीच में, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आएगा, यहां पे मैक्सिमा आएगा, यहां पे फिर जीरो बनेगा। तो इस जगह पे मेरे पास मैक्सिमा है, पॉइंट को समझिए, और इसके अबाउट जो वेव है मेरी वो सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्वार्टर वेव सिमेट्री लगा सकता हूं। तो आप बताओ इसका जो फंडामेंटल कॉम्पोनेंट आएगा वो क्या आएगा, मतलब अगर मैं वी जीरो वन निकालना चाहूं तो वो क्या बनेगा, फोर बाई पाई ये बन जाएगा, अंदर देखिए क्या बनेगा, इनटू फोर बाई पाई इनटू, जरा देखिए, हाँ जी फोर बाई पाई तो यहां पे आ गया, इनटू में जरा देखते हैं क्या बनता है। एक बात और देखिएगा, मैं मुझसे क्या पूछा गया है, मुझे टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन पूछा गया। टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन क्या होता है, जो आउटपुट की आरएमएस वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस जो फंडामेंटल कंपोनेंट है उसके आरएमएस का स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई फंडामेंटल के आरएमएस का स्क्वायर, आरएमएस की फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू ये होता है, और इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज हार्मोनिक आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो आउटपुट की तो आरएमएस मैं फटाफट निकाल सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस चाहिए। तो पीक वैल्यू पहले निकालते हैं, क्वार्टर वेव सिमेट्री का सहारा ले रहा हूं, तो बताइए क्या बनेगा आप यहां पे, 4 बाय पाई, पहले पीक वैल्यू निकाल लेता हूं, हां जी ये बनेगा पाई बाय 12 से लेके कहां तक बताइए, पाई बाय 12 प्लस मतलब आप 15 डिग्री लिख लो ना यार, इसको थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको 15 डिग्री कर लेता, हालांकि अल्टीमेटली सोल्व करते टाइम तो फिर आपको वही पुट करना पड़ेगा। तो 15 डिग्री से लेके कितना 55 डिग्री तक क्या बनेगा, 40 साइन ऑफ 40 नहीं, एम्पलीट्यूड देखो क्या है, एम्पलीट्यूड जो दे रखा है मुझे दैट इज 100, तो इसका मतलब ये 100 बनेगा, 100 साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, एक तो ये बन गया, ठीक है। प्लस बोलिए, अच्छा ये 55 तक है भैया, नेक्स्ट बोलिए प्लस 55 यहां पे, उसमें ये 15 और जोड़ दो 70 डिग्री से ये बन जाएगा 110 डिग्री तक क्या बनेगा बताओ जरा, 110 नहीं 90 तक, क्यों भाई, क्योंकि क्वार्टर वेव तक चलना है ना अपने को, 90 तक क्या लिखोगे बताओ जरा, वो लिखोगे 100 साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, सिंपल कहानी। ये पीक वैल्यू आएगी दोस्तों, और बाई रूट टू और कर देना तो क्या आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू आ जाएगी वी नोट पर, ठीक है। तो जो मैंने कैलकुलेट किया है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो मेरे पास जो आंसर आया इसका, देयर इज आरएमएस वैल्यू जो है वो है 66.12, आप एक बार चेक करना भाई, 66.12 वोल्ट ये आ गया, फंडामेंटल कॉम्पोनेंट की आरएमएस वैल्यू होगी। अब ओवरऑल आरएमएस निकालते हैं इसकी, पूरे की आरएमएस, तो अगर मैं रेक्टिफाई करूंगा तो पाई इसका पीरियड बन जाएगा, तो 1/पाई ओवरऑल आरएमएस देखिए, अब 15 डिग्री से लेके कहां तक 55 डिग्री तक किसका स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, प्लस बोलिए 55 डिग्री से और 95 तक, ठीक है ना, यहां पे 55 हो गया, नहीं 55 नहीं 70 डिग्री भाई माफ कीजिएगा, 70 डिग्री से उसमें 40 और ऐड कर दो 110 तक, 70 डिग्री से 110 तक जरा देखिएगा, देखिए भाई तो 15 से 55 और फिर 72 110, 100 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है भाई, प्लस बोलिए यहां पे 110 हो गया, अब उसके में 15 और ऐड कर दो तो 125 हो जाएगा, तो 125 डिग्री से लेके और 165 तक फिर से 100 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, और ये रेडियन में लिखना है भाई सारा, और इसका रूट ले लो भाई, इसका पूरे का रूट आ जाएगा, तो वो आ जाएगा वी नोट, आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू आएगी दैट इज 81.65, जो आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दैट इज वी नोट इज इक्वल टू 81.65 ये है भाई।
81.65 वोल्ट मेरे पास आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। अब सुनिए मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां पे पुट कर सकता हूं दोनों और इनटू 100 कर सकता हूं। इजी क्वेश्चन है, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 72.45। आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करनी है, कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, तो ये आंसर आएगा दोस्त। क्वार्टर वेव सिमेट्री का यूज कीजिए, आपको कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली अदरवाइज स्टूडेंट क्या रखते हैं, फॉर्मूले को रट्टा मार के रखते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन फोर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन फोर में आपको कुछ इस तरह का ये सिंगल पोल ट्रिपल थ्रो स्विच दे रखे हैं, जरा देखिए कुछ इस तरह का है भाई। ये मेरे पास कैपेसिटर है और यहां पे आपके पास कुछ इस तरह के कनेक्शन दे रखे हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझिएगा। यहां से आपके पास ये पॉइंट निकाल रखे हैं, मतलब यहां पे तीन पॉइंट है, कहने का मतलब ये है, जरा देखिएगा। ये यहां पे कनेक्ट हो सकता है, ये यहां पे कनेक्ट हो सकता है, ये यहां पे कनेक्ट हो सकता है। ये मेरा कोई R फेज होगा, R दिस इज Y एंड दिस इज B, R Y B तीन, तो ऐसे ऐसे ये भी यहां पे कनेक्ट हो सकता है या यहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये मिडिल पॉइंट है O। तो मान लीजिए यहां की वोल्टेज को मैं Vs मान लूं, तो Vs by 2, दिस इज Vs by 2, दिस इज ग्राउंड, मतलब जीरो वोल्ट मान लो, इसके रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखा है। अब ये कह रहा है, ए सिंगल पोल ट्रिपल थ्रो स्विच इज यूज्ड फॉर ईच फेज, इसको मल्टी लेवल इन्वर्टर बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे लेवल आ सकते हैं ना। यहाँ की वोल्टेज, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगी उसमें प्लस Vs by 2 हो सकता है, माइनस Vs by 2 हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो मल्टी लेवल इन्वर्टर इसको बोलते हैं। ए सिंगल पोल ट्रिपल थ्रो स्विच इज यूज फॉर ईच फेज अज्यूमिंग पॉइंट ओ एट जीरो पोटेंशियल, यहाँ पे जीरो वोल्टेज मान लो। द प्रॉपर कॉन्फिग्रेशन फॉर रियलाइजिंग ए स्विच बिटवीन द पोल एंड द थ्रो ओ, ये कह रहा है ये पोल है और ये मेरे थ्रो है, ये थ्रो T1 है, ये थ्रो मेरा T2 है, ये थ्रो मेरा T3 है, इनके बीच में मतलब कौन सा स्विच मुझे लगाना है और किसके बीच पूछा है। ये पूछ रहा है प्रॉपर स्विच फॉर रियलाइजिंग ए स्विच बिटवीन पोल एंड थ्रो ओ, थ्रो ये दे रखा है ओ यहां पे, ये है, इनके बीच में कह रहा है कौन सा स्विच लगेगा। ये मेरा पोल है, ये मेरा थ्रो है, थ्रो मतलब ओ, ओ ओ को थ्रो बोल रहा है, T2 को ओ बोल रहा है, इनके बीच बताना, इनके बीच नहीं बताना, इनके बीच नहीं बताना, इनके बीच बताना है। तो सुनिए भाई, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जिस टाइम ये पोल T1 पे कनेक्ट होगा, जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा भाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जिस टाइम ये T1 पे कनेक्ट होगा, ये मेरा जो पोल है R फेज का, तो आप मुझे ये बताइए, ये मुझे बताइए कि ये है मेरा Vs by 2, ये भी मेरा Vs by 2, यहां पे करंट जो होगा वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बट मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे यहां इन दोनों पॉइंट के बीच में मतलब है। आप जरा बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये पोलैरिटी होगी, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, और कौन सी पोलैरिटी को ब्लॉक करेगा, ये Vs by 2 पोलैरिटी को, इस पोलैरिटी को ब्लॉक करना चाहिए। जिस टाइम ये यहां पे है, T1 पे है, जब मेरा पोल T1 थ्रो T1 पे है, तब ये पोलैरिटी ब्लॉक होगी और यहां पे ये पोलैरिटी ब्लॉक, बट मुझे यहां पे नहीं देखना, मुझे केवल यहां से और यहां के बीच, मुझे पॉइंट नंबर O और पोल के बीच का देखना बस। तो इसके बीच में ये पोलैरिटी ब्लॉक होगी जिस टाइम ये यहां पे कनेक्ट है। जिस टाइम ये, जरा देखिए अब दूसरा केस देखते हैं, जिस टाइम ये नीचे कनेक्ट है, सोचिए उस टाइम यहां की जो वोल्टेज होगी वो माइनस होगी, और यहां पे हायर होगा, और कितना होगा Vs by 2 अगेन, क्योंकि ये जो है ये माइनस Vs by 2 है विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, ये मेरा जीरो वोल्ट होगा, यहां पे माइनस Vs by 2 आएगा, तो यहां पे भी माइनस Vs by 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब इधर हायर होगा, इधर लोअर होगा, तो अब इस वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। तो जरा समझिए, ये इस पोलैरिटी को भी ब्लॉक करना चाहिए, इस पोलैरिटी को भी ब्लॉक करना चाहिए। अब जिस टाइम ये थ्रो पे मतलब ओ पॉइंट पे है, जिस टाइम ये ओ पॉइंट पे है, तब जरा समझिए, जिस टाइम ये यहां पे है, तो इसमें करंट इधर भी हो सकता है, इसमें करंट इधर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से करंट का पता चल गया मुझे, इसका मतलब बाई डायरेक्शन, मतलब फोर क्वाड्रेंट स्विच होना चाहिए, सीधी बात है, करंट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है और वोल्टेज जो है वो दोनों पोलैरिटी की ब्लॉक होनी चाहिए। अब आप आइए जो आपको आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है, अब जरा आंसर्स देखिए। जो पहला आंसर है वो कुछ इस तरह का दे रखा है, जो पहला ऑप्शन है वो कुछ इस तरह का दे रखा है, आई थिंक डायोड उल्टा लगा हुआ है भाई, ठीक है ना। हाँ जी देखिए,
जो पहला है वो कुछ इस तरह का दे रखा है दोस्तों। अब सुनिए, क्या ये करेक्ट है? इसमें करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बट वोल्टेज जो है ये केवल एक पोलैरिटी को ब्लॉक करेगा। ये फोर क्वाड्रेंट स्विच नहीं है, ठीक है, ये केवल इस पोलैरिटी को ब्लॉक कर रहा है, दूसरी पोलैरिटी को ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, अगला जो है वो कुछ इस तरह का दे रखा है दोस्तों। ये ऐसे है और यहां पे मेरे पास कुछ इस तरह का है, ये कुछ इस तरह का है। तो इसमें देखो करंट इधर भी जा सकता है, इसमें करंट इधर भी आ सकता है, करंट दोनों डायरेक्शन में हो गया, और ये पॉइंट मेरा ओ पे आएगा, ये पॉइंट मेरा पोल पे चला जाएगा। अब जरा देखते हैं, तो करंट दोनों डायरेक्शन में, वोल्टेज ये इस पोलैरिटी को ब्लॉक करेगा और ये आपका इस पोलैरिटी को ब्लॉक करेगा, तो दोनों पोलैरिटी ब्लॉक हो रही है, ठीक है ना। इधर 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 मतलब हायर है, इधर लोअर है, तो ये ब्लॉक कर देगा, और इधर हायर है, इधर लोअर है, तो ये ब्लॉक कर देगा, तो दोनों पोलैरिटी भी ब्लॉक हो रही है। इसका मतलब फोर क्वाड्रेंट स्विच है। तो आंसर इज बॉम्बे, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है दैट इज बॉम्बे, ठीक है ना। लेकिन मैंने आंसर क्या दिया हुआ है, इसका जो आपको आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर फोर का, आप जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर का मैंने गलती से नहीं ठीक दिया भाई, आंसर इज बॉम्बे, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आएगा वो बॉम्बे आएगा भाई। आसान क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया केस था ये, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको एक सिंगल फेस देखिए कुछ इस तरह का दे रखा है, अब डायग्राम बनाने में बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए डायग्राम को नहीं बनाने, ठीक है भाई। देखिएगा यहां पे आपको कैपेसिटर दिया गया है, ठीक है, और यहां पे आपको एक बैटरी लगाई गई है 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, और ये कैपेसिटर, ठीक है भाई। जरा देखिए, और यहां पे मेरे पास कोई इंडक्टर है, ये मेरे पास सोर्स है, कुछ इस तरह कनेक्टेड है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 0.02 बाई पाई हेनरी, इसका आपको ये दे रखा है। द स्विचेस आर स्विच्ड इन बाइपोलर स्विचिंग मोड विद साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक, द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज, आपको एक और भी आपको दे रखा है, जरा देखिए, कुछ इस तरह का एक ट्रेंगुलर वेव दे रखी है, और यहां पे इस तरह की साइन वेव दी है, ठीक है भाई। इस तरह का मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूं। तो इसकी जो पीक वैल्यू दे रखी है, ये कह रहा है द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज 8 वोल्ट, ये दे रखा है 8 वोल्ट का पीक दे रखा है, दिस इज 10 वोल्ट। मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है उसका पीक वैल्यू 8 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 पाई है रेडियन में, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो 100 हर्ट्ज बन जाएगी, 100 हर्ट्ज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी अपने पास है, ठीक है, ओके। अब ये क्या कर रहा है, द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज सिग्नल, द एक्टिव पावर सप्लाइड बाय द जनरेटर इज 400 वोल्ट। जनरेटर जो है वो जो एक्टिव पावर सप्लाई करेगा वो 400 वोल्ट सप्लाई करेगा, एंड जो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा वो जो है वो 100 VAR सप्लाई करेगा, 100 VAR रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ VG, आपको VG की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब सुनिएगा, इसको हम यूनिटी पावर फैक्टर रेक्टिफायर बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है ना। ये आपको मैंने कई बार उसमें भी मतलब क्लास में भी पढ़ाया ये चीज, और इसके मैंने थाइस्ट जब मैं पढ़ा रहा था आपको कंट्रोल रेक्टिफिकेशन, तब भी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, यहां की वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो यहां की जो वोल्टेज आएगी उसकी पीक वैल्यू क्या आएगी, सुनिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बनेगा, एम ए इज 0.8, तो इसका यहां की जो पीक वैल्यू आएगी वो आएगी 80 वोल्ट, 100 इंटू एम ए कर दो, तो 80 वोल्ट यहां पे पीक वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सिंपल लिखना चाहूं तो मैं इसको सिंपल इस तरह से लिख सकता हूं, ये जो है यहां पे जो वोल्टेज आएगी मेरे पास दैट इज 80 एंगल जीरो, लिख लो आप इसको 80/√2 एंगल जीरो, और इसको लिख लो इजी एंगल डेल्टा, और ये जो है ये मेरा कितना बता दो रहा 0.02 बाई पाई हेनरी। तो अगर मैं इसको ओमेगा एल करूंगा,
ठीक है, रिएक्टेंस अगर मैं निकालूंगा इसका तो ओमेगा इज 200 पाई, ठीक है, तो ये कट गया यहां से, पाई से पाई कट जाएगा और 200 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाएगा, J4 ओम, ये बन जाएगा J4 ओम, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा। अब एक्टिव पावर देखिए, इजी इनटू ये जो वोल्टेज है, ये है 80/√2 अपॉन दिस 4 sin delta, और ये जो है ये है मेरे पास 400 वोट, ठीक है भाई, एक्टिव पावर जो यहां से जा रही है। अब यहां से जो रिएक्टिव पावर जाएगी वो भी अगर आप निकालोगे तो वो मैं आपको बता देता हूं, जो रिएक्टिव पावर मेरे पास बनेगी दैट विल बी इक्वल टू ईजी बाई एक्स, जो रिएक्टिव पावर बनेगी वो बनेगी ईजी बाई 4 इंटू, एक मिनट रुकिएगा मैं, हाँ जी ये बनेगा ईजी माइनस, एक मिनट वेट कीजिएगा, यहां से मेरे पास जो वैल्यू बनेगी ईजी माइनस ये बनेगा 80/√2 कोस डेल्टा, 80/√2 साइन डेल्टा, नहीं कोस डेल्टा इक्वल टू 100। एक बार चेक कर लेना भाई रिएक्टिव पावर यही आएगी क्या, क्योंकि मैंने तो यही लिखा हुआ है, मैंने इसको डिराइव भी किया हुआ है बल्कि, ठीक है ना, ये बनेगा यहां से जो रिएक्टिव जाएगी वही आएगी, ठीक है। अब सुनो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, एक मुझे डेल्टा चाहिए और एक ईजी चाहिए, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, मेरे ख्याल से निकाल सकते हो आप, यहां से ईजी साइन डेल्टा आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, और यहां से ईजी का स्क्वायर बाई 4 माइनस ईजी इंटू 80 बाई 4√2 कोस डेल्टा इक्वल टू 100, तो ये साइन डेल्टा से कोस डेल्टा निकालो, ईजी की टर्म में लिख लो और फिर स्क्वायरिंग एडिंग करके आप ईजी निकाल सकते हो, तो मेरे पास जो ईजी आएगा दैट विल बी इक्वल टू 55.96। आपसे क्या पूछा था सुनिए, आपसे पूछा था यही ईजी की वैल्यू पूछी आपसे, सोर्स वोल्टेज ये पूछा है, इसको हालांकि वीजी लिखा हुआ है इसने, तो सोर्स वोल्टेज ईजी आपसे पूछा है कि क्या होगा, दैट इज 55.96, आप निकाल लेना भाई यहां से, साइन कोस डेल्टा को क्या लिखोगे, यहां से साइन डेल्टा आ जाएगा ना भाई, बोलिए क्या बनेगा ना, देखो ना ये बन जाएगा 400 इंटू ये 4√2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 80 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कट गया यहां से 20, ये कट गया यहां से 20, 20√2 आ गए, तो यहां से साइन डेल्टा मैं निकाल सकता हूं, साइन डेल्टा इज 20√2 तो ये बन गया और डिवाइड बाई ईजी, और यहां से कोस डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हो रूट के अंदर करके, वो यहां पे पुट करके फिर आप इजी निकाल लीजिए, 55.96 समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, आसान कहानी थी, हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, तो जरा देखिए दोस्तों क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में क्या कर रहा है सुनिए, आपको कुछ इस तरह का सर्किट दे रखा है, हाँ जी कुछ इस तरह का दे रखा है, और क्या बोला है यहां पे आपको वोल्टेज दे रखी है वीडी, दिस वोल्टेज इज वीडी, ये स्विच है S1, S4, S3, S6 and S5, S2, ये दे रखा है, और यहां पे स्टार में लिखा हुआ है रेजिस्टेंसेस, यहां पे मेरे पास 20 ओम के ये स्टार में लगेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का है, ये 20 ओम, ये 20 ओम और यहां पे भी 20 ओम, कुछ इस तरह का लगा हुआ है। सुनिए क्या कराइए, ए थ्री फेज इन्वर्टर शोन, द लोड इज बैलेंस्ड एंड द गेटिंग स्कीम इज 120 डिग्री कंडक्शन मोड, ऑल स्विचिंग डिवाइसेस आर आइडियल, द पावर लॉस इन थ्री फेज लोड इज 3 किलोवाट, ये कह रहा है यहां पे 3 किलोवाट का पावर लॉस हो रखा है, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ वीडी, आपको वीडी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं ये वोल्टेज निकाल सकूं इसके अक्रॉस तो बात बन जाए, उसके आरएमएस का स्क्वायर अपॉन 20 कर दूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 किलोवाट के बराबर आना चाहिए, सही बात है ना, लेकिन मुझे पहले यहां की वोल्टेज तो निकालनी पड़ेगी ना, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं और इसको मैं सी बोल देता हूं, और मुझे ये वोल्टेज चाहिए भाई इसके अक्रॉस,
तो एक काम करता हूँ, मैं जरा इसका स्विचिंग इंस्टेंट बना देता हूँ। देखिए, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है? जो लोग याद करते हैं, पता नहीं क्यों इतना इस सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बना के चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 60-60-60 का गैप है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा इतना भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? मतलब मैक्सिमम 30-40 सेकेंड आपको ज़्यादा लग सकते हैं, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन आप देखिएगा आप कितना दिमाग से फ्री हो जाओगे, मतलब टेंशन फ्री हो जाओगे आप, ठीक है? आपको कोई चीज़ याद ही नहीं करनी है। इससे 120 मैंने ये कर दिया और इससे 120 ये कर दिया, ठीक है? ज़रा देखिए भाई, ये है मेरा T1, यहाँ से आता है T1, और ये क्या बनेगा बताओ जरा? ये बन जाएगा, या S1 लिख दो आप इसको, S1 या T1 लिख दो, तो ये बन जाएगा T4, फिर से T1 और फिर से T4, ठीक है ना? नेक्स्ट बताइए नीचे, ये T1 है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा T3, और यहाँ पे 120 के बाद क्या बनेगा? 180 के बाद में मैं 120 करूँगा, यहाँ पे बन जाएगा T6, ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका T3, और ये जो है यहाँ पे आपका T6, ठीक है ना? नेक्स्ट बोलिए, इससे 120 के बाद यहाँ पे, इससे 120 यहाँ पे क्या आएगा बताओ जरा? T5 और यहाँ पे T2, और उससे T5 से पहले भी आपका क्या बनेगा? T2, यहाँ तक आपका T2 आएगा, और ये बनेगा T5। अब सुनो, क्योंकि 120 है तो ये गैप यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री का, यहाँ पे ये गैप आ जाएगा 60 डिग्री का, और यहाँ पे ये गैप आ जाएगा 60 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पे ये 60 डिग्री यहाँ से हटा दो, ये 60 डिग्री यहाँ पे हटा दो, और ये 60 डिग्री यहाँ से आप हटा दो, ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ पे ये 60 डिग्री यहाँ से गया, ठीक है? ये 60 डिग्री यहाँ से गया, और ये 60 डिग्री आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है ना? बोलिए कोई दिक्कत है तो, इस तरह का बनेगा, ठीक है भाई? 60-60-60 का हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया उसको। अब मेरी बात सुनिए, पहले केस में देखिए, पहले केस में T1 और T6 है, इसका मतलब यहां की वोल्टेज जो होगी वो VD आएगी, वो बनेगी VD, क्योंकि यहां पे T1 कनेक्ट है और ये T6 कनेक्ट है नीचे। इसका मतलब यहां पे जो वोल्टेज होगी वो जीरो होगी, अगर मैं यहां पे ग्राउंड मान लूं तो ये वोल्टेज होगी जीरो, तो ये मेरा ओपन रहेगा, ये आपका ओपन है, ठीक है? तो इसका मतलब यहां पे आपका VD है और यहां पे आपका जीरो है, 20-20 है, तो ये इसके अक्रॉस क्या बनेगा? VD/2। तो इसका मतलब पहले 60 डिग्री में क्या बनेगा बता जरा? पहले 60 डिग्री में VD/2 बनेगा, VD/2 बनेगा। नेक्स्ट बताइए अगले 60 में, मतलब 120 तक अगले 60 में क्या बनेगा? T1 और T2 है, इसका मतलब यहां पे VD रहेगा, नीचे T2 है, T2 का मतलब ये मेरा जो है ये मेरा जीरो बनेगा। तो एनीवे यहां पे VD है, यहां पे जीरो है, और ये ओपन है, ठीक है? तो यहां पे अगेन VD/2 आएगा, VD/2 आएगा। नेक्स्ट आइए अगले 60 में, 180 तक, 120 से 180, ये ओपन है भाई, अगर ये ओपन है तो इधर कोई करंट ही नहीं है, वोल्टेज आएगी जीरो। नेक्स्ट बोलिए 180 से और 60 अगर कर दोगे तो 240 तक, 180 से 240, देखिए 180 से 240 ऊपर आपका T4 है, इसका मतलब यहां पे जीरो वोल्ट है, और नीचे आपका T3 का मतलब ये वाला, यहां पे जो है यहां पे VD है। तो आप बताओ यहां पे VD है, यहां पे जीरो, ये ओपन है, तो आप बताओ इसके अक्रॉस जो पोलैरिटी आएगी वो इस पोलैरिटी आएगा, और वो आएगा VD/2, बट मुझे ये उल्टी पोलैरिटी का लिखना है, तो क्या बन जाएगा? माइनस VD/2। अब बताइए 240 से 300 तक अगेन -VD/2 आएगा, और उसके बाद फिर से जीरो आएगा 360 तक, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, और ये यहां की वोल्टेज बनेगी VAO। अब अगर मैं इसकी RMS वैल्यू चेक करने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी RMS का स्क्वायर कर दूं और बाई 30 कर दूं, इनटू 3 कर दूं, तो 3 किलो वोट आएगा। अब इसकी RMS वैल्यू क्या बनेगी वो जरा देखिए, 1/π बोलिए VD/2 का स्क्वायर इनटू 2π/3 और इसका रूट, ये कट गया यहां से, और ये बन जाएगा मेरे पास VD, यहां से VD निकल आया, रूट के अंदर देखिए क्या है, नीचे 4 है ऊपर 2 है, तो ये नीचे, तो 1/6 आ गया, देखिए भाई VD/6 बन गया, ये बन गया RMS वैल्यू इसके अक्रॉस, और इसका RMS का स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा? VD/6, ये RMS का स्क्वायर होगा बाई ट्वेंटी, RMS का स्क्वायर अपॉन R हो गया, इंटू 3 कर दो, दैट शुड बी इक्वल टू 3000, ये कर गया, यहां पे आ गया 1000,
तो VD की वैल्यू जो बनेगी, एक बार जरा देखिए मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है, ठीक है, तो VRMS का स्क्वायर अपॉन R, R इज 20, एक बार जरा देखना भाई मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो, मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ ना होगी हो, हाँ इसका स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, सही है सही, तो ये स्क्वायर आएगा भाई। बोलिए अब क्या बना, ये कट गया यहाँ से, 1000 आ गया, तो 1000 × 120, एक बार चेक कर लो, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने ठीक लिखा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, VD इक्वल टू रूट ऑफ 120 और इसके आगे 30 और लगा दो, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, टोटल 40 है, हाँ जी, और 12 है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ से जो VD की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जो मैंने कैलकुलेट किया है दैट इज 346.41 वोल्ट, आप एक बार चेक कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सुनिए, आपके पास कुछ इस तरह के स्विचेस दे रखे हैं आपको और एंटी पैरेलल में डायोड लगाए गए हैं, देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का है, यहां पे कोई वोल्टेज होगी मेरे पास और जो वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट और यहां पे कैपेसिटर लगे हुए हैं दो, ये पॉइंट है मेरा ओ और यहां पे मेरे पास लोड है, ये मेरे पास लोड कनेक्टेड है, अब सुनिए क्या कह रहा है ये, ए सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर शोन इन द फिगर इज फीडिंग पावर टू ए लोड, द ट्रिगरिंग पल्स ऑफ द डिवाइसेस आर शोन, कुछ ट्रिगरिंग पल्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, देखिए क्या ट्रिगरिंग पल्सेस दे रखे हैं, S1, S4 के जो ट्रिगरिंग पल्सेस दे रखे हैं जरा देखिए, कुछ इस तरह का दे रखा, दिस इज पाई बाई 6 और यहां पे पाई है दोस्तों, ठीक है, और ये जो है ये है 5π/6, ये S1, S4 का ऑन ऑफ का दे रखा है और यहां पे पाई है और अगले का कुछ इस तरह का दे रखा है, ये आपका 7π/6 बन जाएगा, ठीक है, और जो लास्ट वाला बनेगा 11π/6 और यहां पे आपका 2π लिखा हुआ है और ये जो है ये कौन सा है बताओ जरा, S2, S3, ठीक है भाई, इस तरह का ऑन ऑफ का दे रखा है आपको कि कब कौन सा स्विच ऑन होगा, दिस इज S1 एंड S1 है यहां पे, यहां पे S2 है आपका, दिस इज S3 एंड S4, अब सुनिए क्या बोल रहा है आपसे ये, इफ द लोड करंट इज sinusoidal एंड जीरो, लोड करंट कहां कहां जीरो हो रहा है सुनिए, जीरो एट पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री पे, 13 पाई बाय 12 इसका मतलब पाई प्लस 15 डिग्री पे और इस तरह से, मतलब लोड करंट sinusoidal है और कहां कहां जीरो हो रहा है ये दिया गया आपको, तो जरा देखिएगा आपसे क्या पूछा है सुनिए, आपसे पूछा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की क्या आरएमएस वैल्यू आएगी सुनिएगा, तो मुझे एक बात बताइए, जिस टाइम स्विच ऑन है ये है मेरा पाई बाई 6 और यहां पे मतलब 30 है, तो 30-30 के गैप ले लू तो मैं, एक मिनट जरा रुकिए मैं इसको 30-30 के गैप ले लेता हूं, ठीक है, हाँ जी देखिएगा दोस्तों, ये 30, ये 60, ये 90, ये 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, बस ये लगाते हैं 30-30 के गैप है, तो 30 से लेके 120 तक, 30 से लेके 150 तक 30, 60, 90, 120, 150 यहां तक आपका S1 ऑन है, तो एक बात तो श्योर है कि वोल्टेज जो रहेगी यहां तक आपकी वो क्या रहेगी, क्योंकि ये ऑन है और ये ऑन है, तो आउटपुट वोल्टेज जो रहेगी वो VD रहेगी, ये तो मैं श्योर हूं यहां से लेके यहां तक, बाकी का मुझे पता नहीं बट यहां से लेके यहां तक तो होगा, नेक्स्ट बताइए, सिमिलरली यहां पे 180 बन गया, 180 और यहां पे 210, तो 210 से लेके और अगले 120 डिग्री के लिए 1, 2, 3, 4 यहां तक माइनस VD होगा फॉर श्योर, क्यों भाई, क्योंकि इधर ये ऑन है इधर से ये ऑन है,
ठीक है, तो पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी। लेकिन ये जरा करंट का जो जीरो आ रहा है, जरा देखिए ध्यान से, वो यहां पे है करंट का जीरो 15 डिग्री पे, और एक कहां पे है बताइए, 15 डिग्री पे है, एक आपका कहां पे बताइए जरा, 180 प्लस 15, मतलब एक यहां पे है करंट का जीरो। तो अगर मैं करंट को प्लॉट करके देखूं तो करंट में भी इस तरह का है भाई, और फिर आपका यहां से फिर 360 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा ना, ये 360 है ना, तो यहां तक आएगा अब, ठीक है, आगे तक जाएगा, कुछ इस तरह का करंट बनेगा। अब मुझे एक बात आइए, यहां से यहां तक वोल्टेज तो मुझे पता है, यहां से यहां तक, बट आगे जरा देखो ना, यहां से इससे पहले 15 डिग्री करंट मेरा पॉजिटिव है, करंट मेरा इधर है, बट स्विच मेरा ऑन नहीं है दोनों, तो इसका मतलब ये डायोड कंडक्ट कर रहा होगा फिर, क्योंकि करंट मेरा पॉजिटिव है तो ये डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, और ये डायोड कंडक्ट करेगा तो आप बताइए वोल्टेज क्या बनेगी, ये नेगेटिव वाला पॉइंट इधर आएगा और पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है वो इधर आएगा, मतलब वोल्टेज जो है वो नेगेटिव आएगी यहां से लेके और यहां तक, यहां तक। अच्छा, इसके बाद इससे पहले करंट मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव करंट है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, नेगेटिव करंट है तो करंट उल्टा है, उल्टा करंट, ये दोनों ऑन नहीं है और ना ये दोनों ऑन है, तो उल्टा करंट तो फिर इधर से इधर आएगा, इसका मतलब वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये डायोड कंडक्ट कर रहा है ऊपर, इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, इस तरह की वोल्टेज आएगी यहां पे और ऐसे। फिर आओ यहां से इस पॉइंट के बाद, यहां पे S1 S4 मैंने बंद कर दिए, लेकिन करंट मेरा स्टिल पॉजिटिव है यहां तक, अगर करंट मेरा पॉजिटिव है, करंट मेरा ये पॉजिटिव और ये कंडक्ट कर नहीं रहे, तो इसका मतलब फिर ये कंडक्ट कर रहे हैं, कौन से, ये डायोड एंड ये डायोड, तो इसका मतलब यहां पे नेगेटिव होगा और यहां पे ऊपर वाला पॉइंट इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो जाएगी इस पॉइंट के बाद, यहां तक तो एटलीस्ट रहेगी। ठीक है, अब बताता हूं यहां पे, इस पॉइंट पे अगला स्विच मैंने ऑन नहीं किया है ये वाला, बट उससे पहले करंट नेगेटिव हो गया, करंट नेगेटिव होने का मतलब उल्टा करंट आ गया, अब उल्टा करंट तो ये कोई भी स्विच ऑन नहीं है, इन डायोड के थ्रू जा सकता है फिर तो, ठीक है, इसका मतलब ये डायोड कंडक्ट करेंगे और ये कंडक्ट करेगा तो यहां पे पॉजिटिव आएगा और यहां से नेगेटिव पॉइंट इधर आ जाएगा, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगी, फिर से आपकी पॉजिटिव हो जाएगी इस पॉइंट के बाद, यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद फिर से ये नेगेटिव वोल्टेज बनेगी। ठीक है ना, तो मैंने ज्यादा नेगेटिव दिखा दिया अभी, या फिर इसको ज्यादा नेगेटिव करो, है ना, तो मैं एक बार जरा इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है, पॉइंट को देखिएगा, तो मैं कर देता हूँ, जरा देखिए कुछ इस तरह का बनेगा ना। ठीक है भाई, फिर यहाँ से ये, यहाँ से आपका क्या होगा बताओ, यहाँ से आपका करंट पॉजिटिव है तो वोल्टेज मेरी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ तक नेगेटिव रहेगी, उसके बाद फिर करंट मेरा नेगेटिव हो गया तो वोल्टेज मैं भी ये थोड़ा ऊपर दिखा दिया मैंने, इसको नीचे तक दिखा देना, ठीक है, यहाँ तक दिखा देना, ठीक है भाई, इस तरह का बनेगा फिर यहाँ तक, तो आप समझ गए होंगे वोल्टेज की वेव शेप कैसे आएगी। तो यहाँ से मेरे दो क्वेश्चन सोल्व हो गए, ठीक है, कौन कौन से दो क्वेश्चन सोल्व हुए बताओ, एक तो वेव शेप वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है, और अब यहाँ से मैं RMS भी लिख सकता हूँ, जरा देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे RMS वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरा 100 वोल्ट है और ये मेरा -100 है, अगर मैं रेक्टिफाई कर दूं इसको तो क्या बनेगा, रेक्टिफाई करूंगा तो प्योरली क्या बन जाएगा, ये इस तरह का आ जाएगा, DC बन जाएगा, तो RMS वैल्यू क्या आएगी बताओ, 100 ही आएगी, तो इसकी आउटपुट वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है दैट इज 100 वोल्ट। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज मेरी 100 वोल्ट आएगी। और क्या पूछा सुनिए, फॉर द अबो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ड्रॉ द वेव शेप ऑफ आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज की वेव शेप बना तो दी हमने, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से आसान कहानी थी, इजिली आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देखिए, यहाँ पे करंट मेरा पॉजिटिव है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, करंट मेरा पॉजिटिव है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है मैंने सही बनाया, ठीक है ना, तो इस तरह की वेव शेप बनेगी। आप करंट को भी प्लॉट कर लीजिए और एक बार जहाँ जहाँ स्विचेज ऑन है वो वाला दिखा दीजिए, उसके बाद बीच में करंट के हिसाब से डायोड का पता चल जाएगा कि डायोड कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, ठीक है ना, तो वो आप दिखा सकते हो। ठीक है भाई, तो आज का जो एपिसोड है उसको मैं यहीं पे रोक रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको यहां से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए, अगर आपको इस वीडियो से कंसेप्ट कुछ बने हो तो आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको कोर्सेज की जानकारी लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो cesedu.co.in, आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, कोई भी नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हो दोस्तों, वहां पे भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एपिसोड है उसको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ भाई, नेक्स्ट एपिसोड में नई DPP के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, थैंक यू।